अंदर कोई भी योग्य महिला नहीं है इनकी नजरों में, केवल योग्य इनकी पत्नियां हैं जो विधायक की पत्नियां हैं। ये नगर निगम को चलाएंगी, इनकी योग्यता है, बाकी तो अयोग्य हैं। तो हमने ये सोचा है कि जब यही योग्य हैं तो हम काम भी क्यों करें, हमें काम करने का कोई अधिकार नहीं। वापस ही नहीं लूंगी मैं, कोई बात नहीं। मैदान में खिलाड़ी आते हैं तो कोई हारता है कोई जीतता है, इससे हम डरते नहीं है। अगर जनता, अगर जागरूकता जनता के अंदर होगी तो जनता अवश्य समझेगी कि कौन महिला योग्य है कौन नहीं है। पार्टी के नेता आए थे और वो ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव जीतती हैं और निर्दलियों में कोई ताकत नहीं होती है, और वो ये कह रहे थे कि ये जो लोग आपके साथ में हैं ये खाली आपको चढ़ाने आए हुए हैं और इनके चढ़ने में आप मत आएं और आप पार्टी में ही रहें। मैंने उनसे प्रश्न किया कि मेरी 3 बार टिकट कटी है और जनरल साहब आए, जनरल साहब के लिए हमने बहुत मेहनत करी, हालांकि उस समय भी मेरी दावेदारी थी, लेकिन जनरल साहब हमारे सम्मानित हैं, हमारे आदर्श हैं, यदि वो चुनाव लड़ेंगे तो हम जान लगा देंगे। अभी दोनों जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन अतिक्रमण की बात आई, यदि किसी गरीब की एक ईंट भी लगी होती तो ये इलेक्शन कमीशन उसका निरस्त कर देता, लेकिन हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मठाधीश हैं। अब जनता निर्णय लेगी और जनता न्याय करेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और मेरी, मैं जनता से अपील भी करता हूँ कि सच का साथ दें, ये धर्म युद्ध है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे तीनों निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी से, उनके पास मैं आया था। हमारे अरितो खंडी जी गए हैं, हमारे मुकेश कोहली जी गए हैं, अनिल मोहन जी गए हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे भेजा था और हमने तीनों लोगों से बातचीत की है और तीनों हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। मुझे लगता है कि ज़रूर पार्टी का संदेश का वो पालन करेंगे, उनके पास रुपया है और मुझे आशा है कि वो पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और पार्टी के निर्णय के साथ वो जरूर है। तो बात अनदेखी की नहीं है, पूरे प्रदेश में 7 नगर निगम है और हमारे पास लगभग 67 प्रत्याशी थे, तो टिकट तो साथी को मिलेगा, लेकिन हमें चाहते हैं कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे हमारे कोई भी कार्यकर्ता हो, जिस कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि उनको जो है समझाना बुझाना, ये पार्टी का नैतिक दायित्व होता है। और मुझे लगता है कि हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो पार्टी के साथ जरूर